नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको पुरानी जो ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर या हीरो की और कोई भी जो मोटरसाइकिल होती थी उसमें और BS6 के जो अभी इंजन आ रहे हैं उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कंपनी ने क्या क्या बदलाव किए हैं, पहले क्या था और अब क्या हो गया है उस इंजन में। तो इस वीडियो में हम वही आपके लिए दिखाने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें जो पहले परेशान करती थी मोटरसाइकिल में, जैसे कि ऑयल लीकेज करना, टाइमिंग चेन की आवाज़ का होना और भी बहुत सी पुराने इंजन में समस्याएं थीं, लेकिन कंपनी ने जो BS6 मॉडल जो आया है उसमें इन सभी चीज़ों को सुधारने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ये हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का ये इंजन रखा हुआ है हमारे सामने। और यहीं पर एक ये देखिए, ये BS6 स्प्लेंडर कह सकते हैं आप या डीलक्स मोटरसाइकिल कह सकते हैं, उसका इंजन यहाँ पर रखा हुआ है। तो कंपनी ने इनमें क्या बदलाव किया है, क्या हमें चीज़ें इससे हमें फ़ायदा होगा बदलाव से, और किन चीज़ों पर कंपनी ने काम किया है, चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आपने नोटिस किया ही होगा कि ये जो आपका हाफ चेन कवर मैग्नेट कवर होता है उसके यहाँ नीचे साइड से आपने नोटिस किया होगा कि आयल टपकता ही रहता है। आयल हम बहुत बार रिपेयर करवा चुकते हैं, यहाँ की ऑयल सील बदलते हैं, ये ऑयल सील बदल देते हैं, ये ऑयल सील बदल देते हैं और ये ऑयल सील बदल देते हैं। तो इतना सब बदलने के बाद भी ये ऑयल सीलें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं या किसी कारण से यहाँ से ऑयल लीकेज की समस्या होती ही रहती है। तो कंपनी ने इसमें एक बहुत अच्छा काम किया है जिसमें ये जो रोना है, मतलब यहाँ से ऑयल लीकेज का, ये हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहला बदलाव कंपनी ने, बहुत अच्छा बदलाव यही किया है कंपनी ने कि ये देखिए, ये BS6 गाड़ी का पल्ला है और यहाँ पर कंपनी ने, ये देखिए, इसका ये वाला कवर है। मैं आपको बता दूं, ये केवल ये ओल्ड मॉडल की मोटरसाइकिल है, सबसे ओल्ड मॉडल। उसके बाद कंपनी ने इस तरह की कॉल लगा के डिजिटल DC इसकी वायरिंग कर दी थी 2007 या 8 के मॉडल के बाद से। तो उसमें भी कंपनी ने यही आयल सीलें वगैरह लगा करके दी थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया था। लेकिन अब जब BS6 बाइकें जब से लॉन्च करी हैं गाड़ी ने कंपनी ने, तो उसमें कंपनी ने सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कंपनी ने पैकिंग लगा के दे दी है। तो इस पैकिंग को लगाने से ये बहुत बड़ी समस्या जो थी गाड़ी में ऑयल लीकेज की, ये बहुत हद तक यहाँ से आपकी ख़त्म हो जाने वाली है। यहाँ से ऑयल की समस्या मेरे ख्याल से परमानेंटली ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी आयल सीलें लगती थी। यदि थोड़ी भी क्रैंक यहाँ से टेढ़ी हो जाती है यदि, और हम गाड़ी को चलाते हैं तो उसकी आयल सील जल्दी ख़राब हो जाती थी। इस वजह से ऑयल का जो लीकेज था वो ख़त्म नहीं होता था। यहाँ पर कॉयल प्लेट लगती है, उसके कारण भी यहाँ यदि वो कॉयल प्लेट ख़राब हो जाती है या कहीं से क्रैक हो जाती है, तो उसके कारण भी यहाँ से ऑयल लीकेज की समस्या बनी रहती थी। तो इसमें कंपनी ने ये बहुत अच्छा सुधार किया है। अब अगला बदलाव कंपनी ने क्या किया है, इसकी जो क्रैंक है, ये देखिए, क्रैंक शाफ्ट जो होती है, क्रैंक को, हालांकि क्रैंक की ये जो चूड़ियां होती हैं, इसमें पहले 10 mm की चूड़ी रहती थी, अब कंपनी ने 12 mm की इसकी यहाँ पर ये चूड़ियां कर दी हैं। इसकी ये शायद शाफ्ट भी मोटी करी है। और इसका जो ये वाला जो गियर होता है, ये जो गियर होता है, ये भी कंपनी ने अलग तरह से लगाया है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का गियर लगाया है इसमें। पहले थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाने वाला आता था ओल्ड मॉडल में, अब लेकिन ये गियर अच्छी क्वालिटी का दे रही है कंपनी। और ये जो बैरंग है, ये बैरंग भी कंपनी ने बड़ी साइज़ का बैरंग इसमें दिया है। ये जो क्रैंक का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा मोटा होने के कारण कंपनी
को इसका ये बेयरिंग बदलना पड़ा है। तो उसका नंबर हम मैंने आपको दिखा ही दिया है, ये देखिए नंबर कुछ अलग तरह से नंबर है इसका। पहले 6304 का बेयरिंग लगता था इसमें, अब इसमें कंपनी ने कोई ये SKF कंपनी का लगा हुआ है और नंबर ये नया नंबर है कोई। तो अभी तक हमने और किसी गाड़ी में इस नंबर को नहीं देखा है। तो चलिए एक और ये बदलाव नंबर हो गया है 2। अब हम अगला बदलाव देखते हैं। एक और बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही काम का बदलाव है ये। ये है टाइमिंग चेन में। बाकी इससे और अच्छा कर सकते थे कंपनी वाले, लेकिन कंपनी ने नहीं किया है। बाकी इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। टाइमिंग चेन जो होती है कंपनी की, टाइमिंग चेन इस वाले जो मॉडल में, ये मॉडल जो होता है इसमें टाइमिंग चेन की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है। बहुत जल्दी टाइमिंग चेन ख़राब हो जाती है। उसके साथ साथ बहुत से स्पेयर पार्ट्स भी इसमें लगे होते हैं और उस वजह से ये जो इसकी टाइमिंग चेन है वो भी ख़राब हो जाती है और बाकी पार्ट्स को भी ये ख़राब कर देती है। तो इसमें ये एक रोलर लगता है, एक यहाँ बीच में रोलर लगता है और एक रोलर यहाँ लगता है और चेन इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। और इसी टाइमिंग चेन से इसका ऑयल पंप भी चलता है। तो जैसे यदि ये रोलर ख़राब हो जाता है आपका, तो ऑयल पंप बंद हो जाएगा और गाड़ी सीज होने की संभावना रहती है। तो कंपनी ने BS6 मॉडल में, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है मॉडल, दो तीन साल पहले, उसमें ये बहुत अच्छा सुधार किया है। इसमें कंपनी ने यहाँ पर ये प्लेन रोलर लगाया है, जो कि अब केवल टाइमिंग चेन को सपोर्ट करेगा। ऑयल पंप का इससे कनेक्शन ख़त्म कर दिया है कंपनी ने। तो इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि यदि टाइमिंग चेन ख़राब हो जाती है और ये रोलर ख़राब हो जाता है, ये जाम हो जाता है, तो आपकी मोटरसाइकिल का ऑयल पंप बंद नहीं होगा। ऑयल बाकायदा इंजन के ऊपर जाता रहेगा, इंजन सीज होने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। जो ऑयल पंप का ये गियर ख़राब होने के कारण, इस गाड़ी में ये जो गियर ख़राब हो जाता था तो इंजन सीज होने की संभावना होती थी, इस वाले मॉडल में कंपनी ने बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया है। तो एक ये भी सबसे बड़ा बदलाव है और इसी बदलाव के कारण टाइमिंग चेन पर लोड कम रहेगा, ऑयल पंप चलाने का लोड नहीं रहेगा। तो टाइमिंग चेन भी इसमें ज़्यादा सर्विस हमें देगी और टाइमिंग चेन की भी अच्छी खासी सर्विस हमें मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा बदलाव है। बार बार इस मॉडल में टाइमिंग चेन की समस्या रहती थी और बार बार टाइमिंग चेन सेट ख़राब होता रहता था, तो इस मॉडल में ये समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। ये काफ़ी सालों बाद इंजन में कंपनी ने बदलाव किए हैं। हीरो कंपनी का ये जो इंजन है काफ़ी पुराना है, जब से कंपनी बनी है, जब से हीरो होंडा शुरू से चली आ रही है, तब से यही इंजन कंपनी दे रही है और आज तक यही इंजन दे रही है। लेकिन अभी तक कंपनी ने इसमें कोई बदलाव नहीं किए थे। मान के चलिए 2007 तक, 2007 में CD डीलक्स मोटरसाइकिल आई थी, HF डीलक्स, तो उसकी हेड में जो होता है, हेड की कैमशाफ्ट बदली थी कंपनी ने केवल, और उसमें रोलर वाले रॉकर लगा दिए थे। तो उसके बाद इतना बड़ा बदलाव कंपनी ने पहली बार किया है। बाकी इससे और अच्छा भी कर सकते थे कंपनी वाले, ये रोलर हटा करके और दूसरी गाड़ियों जैसे इसमें टाइमिंग पैड लगा दिए जा सकते थे और एक टाइमिंग चेन टेंशनर भी लगाया जा सकता था सुपर स्प्लेंडर की तरह, तो बहुत अच्छी सर्विस हो सकती थी। बाकी ये भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। अब हम देखते हैं अगला बदलाव क्या किया है कंपनी ने। अगला बदलाव किया है, तो ये जो आप रोलर देख रहे हैं, यहाँ पर पहले ऑयल पंप का गियर लगता था, जो कि ऑयल पंप को चलाता था, और कंपनी ने यहाँ से ऑयल पंप का कनेक्शन ख़त्म कर दिया है, जो कि आप देख रहे हैं ऑयल पंप कंपनी ने यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए, ये अब और गाड़ियों की तरह क्रैंक के सपोर्ट से ही चलेगा। ये देखिए, ये डायरेक्ट क्रैंक से ही अटैच कर दिया है कंपनी ने और यहीं ये काम करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा बदलाव है।
और यदि टाइमिंग चेन ख़राब है, उसका गियर ख़राब है और उसे बदलने के लिए हमारे लिए ये साइड का कवर भी खोलना पड़ता था, तो ये एक समस्या कंपनी ने ख़त्म कर दी है। और अब हम आपको दिखाते हैं एक अगला बदलाव। हालांकि जो अभी हमने इंजन खोला हुआ है, इस इंजन में वो बदलाव है तो नहीं, बाकी और जो नया मॉडल आ रहा है उसमें कंपनी ने ये बदलाव कर दिया है। ये देखिए, ये क्लच हब सेंटर जो है कंपनी ने बदल दिए हैं नए मॉडल में। ये ओल्ड मॉडल का ही है, ये समझिए ये जब कंपनी स्टार्ट हुई थी ये उसी समय का हब और सेंटर है, करीब 30 साल पुराना हब सेंटर, और 30 बल्कि 35 साल ही मान लीजिए। तो ये जो हब सेंटर हैं आप जो देख रहे हैं ये 35 साल पुराने हैं, और कंपनी जब से शुरू हुई है तब से यही मॉडल चल रहा है। ये चार खूंटी वाला हब सेंटर तभी से चल रहा है, लेकिन BS6 इंजन में, हीरो होंडा गाड़ी में, अब ये तीन खूंटी वाला उन्होंने कर दिया है कंपनी ने, सुपर स्प्लेंडर टाइप उसमें लगा दिया है। तो सुपर स्प्लेंडर में तो शायद 6 खूंटी रहती हैं, बाकी इसमें कंपनी ने नए मॉडल मतलब थोड़ा और लेटेस्ट मॉडल जो आ रहा है उसमें कंपनी ने 3 खूंटी यहाँ पर कर दी हैं। तो एक बदलाव ये भी आप समझ सकते हैं। अगला बदलाव है मैग्नेट का, जो कि कंपनी को बदलना पड़ा है, क्योंकि BS6 गाड़ी में मैग्नेट कुछ इसी तरह से लगाना पड़ता है, तो ये भी कंपनी को बदलना पड़ा है। ये देखिए, ये यहाँ पर सेंसर काम करता है, जो पिकअप कॉइल लगी होती है वो, जो इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं इस गाड़ी में BS6 में, ये उनके लिए काम करता है। तो ये देखिए, इसमें अगला बदलाव तो नहीं कह सकते, बाकी ये ब्लॉक किट है, ब्लॉक किट में ये कंपनी ने यहाँ पर ये एक सेंसर लगा के दिया है, और ये सेंसर काम करता है गाड़ी की हीटिंग के लिए, कि गाड़ी कितनी गर्म हो रही है कितनी ठंडी है, तो उसके लिए ये काम करता है। तो ये समझ लीजिए, इसमें अब इसी का ब्लॉक लगेगा, इसी के नाम से आएगा, आप इसमें किसी और मॉडल का ब्लॉक नहीं डाल सकते हैं। इसी तरह से कंपनी ने हेड में भी, ये देखिए यहाँ पर एक सेंसर दिया हुआ है। तो एक बदलाव ये भी हम मान सकते हैं BS6 गाड़ी में। तो कंपनी ने लगभग इतने ही बदलाव इस गाड़ी में किए हैं, और मुझसे कुछ छूट रहा हो तो आप हम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये देखिए, हमने इस BS6 गाड़ी का इंजन, ये जो आप देख रहे हैं ये पल्ला यहाँ से क्रैक हो गया था, किसी ने ऑयल बोल्ट बहुत ही ताकत से खींच दिया, टाइट कर दिया, उस वजह से यहाँ पर ये पल्ला क्रैक हो गया था और ऑयल बोल्ट फट गया था। इस वजह से हमने इसका इंजन खोला हुआ है, और इसकी हमें चूड़ियाँ यहाँ पर बनानी हैं, इसको हमने वेल्डिंग भरवा दिया है। तो इस वीडियो में बस मैं यही जानकारी आपको देना चाहता था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।